हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल ड्राइव पर कैसे हम फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स या कोई पीडीएफ अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ये ओपन हो चुका है, तो हमें गूगल ड्राइव ओपन करनी है। तो सीधे से हम यहाँ पर या तो सर्च कर लेंगे गूगल ड्राइव टाइप करके, या फिर गूगल ऐप्स में जाके भी हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो जहाँ हमारी प्रोफाइल बनी हुई है, यहाँ पर सेकेंड नंबर पर गूगल ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर गूगल के सभी ऐप्स दिखा रहा है, तो हम गूगल ड्राइव इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए गूगल ड्राइव ओपन हो रही है, और ये गूगल ड्राइव सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पर जो भी हमें फाइल, डॉक्यूमेंट्स या पीडीएफ अपलोड करना है, उसे हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम कॉर्नर पर लिखा हुआ है प्लस का सिंबल बना हुआ है न्यू, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिखा रहा है, यदि हमें फोल्डर अपलोड करना है फोल्डर अपलोड कर सकते हैं, या फिर हमें फाइल अपलोड करनी है तो फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो फाइल में जो आएगा इमेज, पीडीएफ और अलग अलग चीज़ें आएंगी, तो हम फाइल पर क्लिक किया हमने। तो यहाँ फाइल में हम किसी भी तरह की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो एक्सेल फाइल हो, वर्ड फाइल हो, या फिर पीडीएफ फाइल हो। तो हम यहाँ पर पीडीएफ फाइल को ही सिलेक्ट कर लेते हैं जिसे हमें यहाँ अपलोड करना है। तो मान लिया हमने द हिंदू डिक्शनरी इस पीडीएफ को अपलोड करना है, तो हम इस पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देंगे। यानी डबल क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये अपलोड हो रहा है और ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो अब हम इसे देखते हैं कि ये गूगल ड्राइव में अपलोड हुआ है या नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ साइड में लिखा हुआ है रिसेंट, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने डाउन करके देखा तो यहाँ पर नहीं है, तो रिसेंट इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए जो हमने अभी अपलोड किया है द हिंदू डिक्शनरी नाम से, वो यहाँ पर आ चुका है और ऊपर टूडे लिखा आ रहा है। तो हम इसे ओपन कर लेंगे यहाँ पर, इस पर डबल क्लिक करके। तो इस प्रकार हम गूगल ड्राइव पर डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ फाइल या फोल्डर कुछ भी अपलोड करना चाहें वो इजीली अपलोड कर सकते हैं।